आदाब नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। ईदी बाजार अनमोल होटल के करीब अनस नामी नौजवान पर नामालूम अफराद ने उन पर मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबर ना हो सके। पुलिस मौका वाकया पहुँच गई और तहकीक़ात का आगाज कर दिया है। आज 4:35 के बीच में कुछ झगड़ा हो रहे बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आया, तो पुलिस वाला आया था। इससे पहले ही वो एक इंजर्ड रहता मुर्तजा अनास बोल के एक इंजर्ड है, इधर उसको फौरन ओआईसी हॉस्पिटल को भेजा था ट्रीटमेंट के लिए। उधर तो अब ट्रीटमेंट चल रहे। वो झगड़े का क्या कारण क्या है, इसके ऊपर कौन अटैक करा बोल के इन्वेस्टिगेशन कर रहे। अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहे। सर, इस स्पॉट पे क्या ऐसा हथियार मिला है जो जिस पे हमला किया गया? नहीं नहीं, अब तक कोई हथियार नहीं मिला। सीसी फुटेजेस और आजू बाजू वालों को इंक्वायरी कर रहे, और कुछ इन्फॉर्मेशन आए तो हमको बोलूँगा। सोशल मीडिया पे एक तेज लेजर ब्लेड का दिखाई दे रहा सर। हाँ, तो पेपर कट व्हाइटनर वगैरह जो रहते हैं वो लोग यूज़ करते हैं सर, वैसी ब्लेड? नहीं नहीं, ये पेपर कटिंग का ब्लेड है। पेपर कटिंग का ब्लेड मिला था, पेपर कटिंग का ब्लेड मिला था, वो कोई भी इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए हम इंक्वायरी कर रहे कौन लाया, कैसा लाया, कैसे हुआ ये काम बोल के सोच रहे। ऐसी कोई दुश्मनी हो सकती है सर किसी? नहीं, अब तक किसी कोई भी नहीं, उसका रिश्तेदार भी कुछ नहीं बोल रहे। किसी के ऊपर शक है बोल के भी कोई नहीं पूछ रहे, बोल रहे इंक्वायरी कर रहे ना पूरा। कुछ इंक्वायरी में कुछ डिटेल्स मालूम हुए तो आपको बोलूँगा। आप देख रहे थे HBN न्यूज़। हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।